हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमर्स किचन। खीरे के साथ तो सलाद, करी और सब्जी तो आपने बना के खाई होगी, मगर आज हम खीरे के साथ एक नए रेसिपी लेके आपके सामने फिर से हाजिर है, जो बनाने में एकदम इजी और झटपट रेडी होता है, मगर टेस्टी भी बनता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं, मगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन को हिट करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हमने खीरे को अच्छी तरह वॉश कर लिया था और कट कर लिया है। यहाँ पर जो मिडिल में सीड्स रहता है उसे हमने फेंक दिया है, सीड्स का कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे पतले पतले स्लाइसेस में कुछ इस तरह से कट कर लिया है। आप जितने लोगों के लिए बनाते हो उसके अकॉर्डिंग खीरे को लीजिएगा। खीरा हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इससे गर्म दिन में खाने से हमारा पेट को ठंडक मिलता है, तो खाना ही चाहिए सभी को। और ये देखिए, हमने दो मीडियम साइज़ के प्याज को कट कर लिया है। यहाँ पर हमने लहसुन की कलियाँ ले ली है और हरी मिर्ची ले लिया है। हरी मिर्ची आपको अगर ज़्यादा पसंद हो खाने में तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। यहाँ पर फिर हमने हाफ कप मसूर डाल दिया है। तो ये देखिए, हमने मेजरिंग कप में यहाँ पर लेके दिखा दिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर हाफ कप मसूर दाल यूज़ किया है। तो फिर अभी हम मसूर की दाल को अच्छी तरह वॉश करने के बाद कढ़ाई में दे देंगे। तो सारा इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर देके बस गैस में रख देंगे बनाने के लिए। तो मसूर की दाल देने के बाद हम अभी यहाँ पर अपने खीरे को दे देंगे और फिर प्याज को दे देंगे और सारे इंग्रेडिएंट्स को दे देंगे। प्याज को दे देते हैं। उसके बाद प्याज को देने के बाद जो लहसुन की कलियाँ है वो हम डायरेक्ट नहीं देंगे, उसे हमने थोड़ा मैश कर लिया था उसके बाद ही दिया है, नहीं तो मुँह में लगेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा हमने मैश कर लिया है। और फिर हरी मिर्ची दे दिया है, आपको जितना पसंद है उतना दीजिएगा। फिर यहाँ पर एक चम्मच हल्दी पाउडर दिया है, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर दिया है और फिर आधा चम्मच हमने यहाँ पर जीरा पाउडर दे दिया, मसाला एकदम कम और फिर नमक स्वाद अनुसार। तो देखिए यहाँ पर मसाला एकदम ही कम है। और फिर एक चम्मच हमने सरसों का तेल दिया है, सरसों का तेल दीजिएगा ही, बहुत डिलीशियस बनता है। तो एक चम्मच सरसों का तेल दे दिया है। अभी हम अच्छी तरह सारी चीज़ों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से हमने एकदम अच्छी तरह से इसे सारे चीज़ों के साथ मिक्स कर दिया है। यहाँ पर एक एक खीरे के ऊपर सारे मिक्सचर अच्छी तरह लग गया है। तो ये देखिए, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह दिखता है। अभी हम यहाँ पर पानी दे देंगे। तो पानी हमने यहाँ पर एक कप पानी दिया है। पानी देने के बाद अच्छी तरह एक बार मिक्स कर लेंगे। हमने जितना खीरा यूज़ किया उसके लिए एक कप पानी काफ़ी है, तो हमने एक कप पानी दिया है। तो यहाँ पर हमने कुछ और हरी मिर्ची यूज़ किया है, हरी मिर्ची और थोड़ा दे दिया है। अगर आपको झाल कम पसंद है तो आप कम दीजिएगा। फिर 5 मिनट के लिए हम गैस में रख देंगे मीडियम फ्लेम में। 5 मिनट के बाद ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी है, एकदम कम इंग्रेडिएंट्स और ना ज़्यादा यहाँ पर मसाला यूज़ है और बिल्कुल ऑयल फ्री रेसिपी है। ऑयल तो एकदम ही यूज़ नहीं किया है हमने, बस एक चम्मच ऑयल दिया है। तो ये बहुत डिलीशियस है और साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत डिलीशियस लगता है रोटी के साथ खाने में या फिर चावल के साथ, एकदम झटपट रेडी हो जाता है मगर बहुत टेस्टी। तो ये देखिए, हमने 2 मिनट के बाद एक बार ढक्कन को उठा के देखा था कि ये रेडी हो हुआ है कि नहीं। तो 2 मिनट में ये रेडी नहीं हुआ है, फिर से हमने ढक्कन को लगा दिया 3 मिनट के लिए। तो टोटल 5 मिनट में ये रेसिपी बनके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 5 मिनट हो गया है, इसमें एक अच्छा उबाल आ रहा है और सारा रेडी हो गया हमारा रेसिपी बनके। तो ये देखिए, इसमें खीरा अच्छी तरह गल गया है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो ये बहुत ही इजी है बनाना, आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा कैसा लगता है और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये बहुत टेस्टी है, आपने तो बहुत बार खीरे के साथ करी, सब्जी या फिर सलाद बना के खाई होगी, मगर इस बार ये रेसिपी आप ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही टेस्टी है और बहुत डिलीशियस बनता है और बहुत झटपट रेडी हो जाता है। और ज़रूरी बात, ये ऑयल फ्री है तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया। 5 मिनट में ये रेडी हो जाता है एकदम कम इंग्रेडिएंट्स में। और गैस का फ्लेम याद से कम रखिएगा, ना ज़्यादा हाई ना एकदम लो, मीडियम फ्लेम में हमने इसे बनाया है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसा लगा हो। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऑल बटन को हिट करके, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर से मिलेंगे इसी तरह के एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।